सबसे पहले हमें तिल को अच्छी तरह से भून लेना है। तिल जब अच्छी तरह से भून जाए, आपने क्या करना है, एक साइड में करेला और आलू जो मैंने पहले से काट के रखा हुआ है उसमें नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद अच्छे से मैश कर ले और उसको आधा घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको अच्छी तरह से आप धो लीजिए ताकि करेले का तीतापन निकल जाए। एक कढ़ाई में हमें क्या करना है, तड़का मारना है, मेथी और मिर्च के तड़का देना है। मेथी और मिर्च का जब हम तड़का दे देंगे, जब थोड़े मेथी काली होने लगेगी, तब हमें क्या करना है, अब हमें करेले को डाल देना। हम सारा करेला डाल देंगे। अब हमें एक जार में तिल को डालना है और सूखी हुई मिर्च डालना है। सूखी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना तीखा आप खाते हो आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। और आमचूर, नमक, अब इसको मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीसने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बन गई हमारी पेस्ट। अब हमें क्या करना है, करेले को देखना है। करेला जब अच्छी तरह से पक जाए, एक साइड में जब करेला पक रहा है तो हमने क्या करना है, जिस तरह से मैंने ये छोटे छोटे पीस काट के रखे हुए हैं प्याज के, ये देखिए अब करेला अच्छी तरह से पक गया है, आलू भी पक चुके हैं। तो हमें क्या करना है, प्याज के स्लाइस जो हमने काट के रखे हुए उसको हमने करेले के ऊपर डाल देना है। अगर आप टमाटो अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप टमाटो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमने जो पेस्ट बनाया है अब हम उसको करेले में डाल देंगे। अब इस पेस्ट को और करेले की जो हमने ये बनाई है तड़का मार के, उसको हम अच्छी तरह से मैश कर देंगे। जिनको भी करेले की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक बार आप ज़रूर ये ट्राई करिए। 100% है कि आपको ये करेले की ये चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत ही खाने में टेस्टी होती है और तीतापन बिल्कुल नहीं होता है। और अगर आप चाहते हो तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं। बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।